हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसे देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या है, देखो। इट इज़ अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर मैं आपको एक एकदम सिंपल सर्किट बना के दिखाओ तो देखो, सबसे पहले हमें हमारे पास बैटरी होनी चाहिए, फिर उस बैटरी से मुझे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, वायर हो या फिर कोई बल्ब हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ये हुआ हमारा वोल्टेज V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और ये हमारा वायर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी मेरा करंट यहाँ से कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ अ सेल जो कि हमारे पास है एंड अदर रेजिस्टेंसेस। अब इस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये बल्ब, ठीक है। ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, यानी अपना चार्ज जो है वो ऐसे यहाँ से इस फिलामेंट के अंदर से होके पास करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सर्किट इज डिपेक्टेड बाय अ फिगर। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हमें सर्किट दिखाना है तो हम सिंपल एक डायग्राम बना के उसे डिपिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये एम मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं एम मीटर के बारे में, ठीक है। तो एम मीटर किस लिए यूज़ होता है, एम मीटर यूज़ होता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए। जैसे कि इस सर्किट में मुझे इस पॉइंट पे करंट कितना है वो मुझे जानना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वायर के अलोंग मैं यहाँ पे एम मीटर डिवाइस लगाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इस डायल में मुझे मेरा करंट का वैल्यू मिलेगा, मान लो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना भी है वो मिलेगा। और क्योंकि ये एमीटर पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, यहाँ पे इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये हुई करंट की बात। तो एमीटर क्यों यूज़ होता है, टू मेजर करंट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। अब आगे बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। वोल्ट मीटर क्यों यूज़ होता है, नाम से ही पता चलता है, इसे वोल्टेज मेजर करने में यूज़ होता है। वोल्टेज यानी किसी भी अपने सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, मान लो ये मेरा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या होगा, वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी। और इसे ही अगर हमें वोल्ट मीटर से मेजर करना है तो इसके पैरेलल में मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है, वोल्ट मीटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मुझे अगर ये मेजर करना है तो क्या करूँगा, उसके दोनों साइड से मैं वायर लेके वोल्ट मीटर में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस डिवाइस में मुझे कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ड्रॉप क्यों कह रहा हूँ? सिंपल सी बात है, ये अपना वोल्टेज भी था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मान लो ये वोल्टेज अपना 10 वोल्ट का था, 10 वोल्ट यानी क्या, इस टर्मिनल पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, और इस टर्मिनल में 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये सेल का, 10 वोल्ट, यानी ये बैटरी 10 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। तो ये भी, ये पॉइंट जो होगा वो भी 10 वोल्ट होगा। अगर हम इस वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले, यानी बहुत कम मान ले, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी ये 0 वोल्ट होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 0 यानी 0। और आप देख सकते हो अगर मेरा चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0, यानी मेरा वोल्टेज कम हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 से 0, ठीक है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप या इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे, और एम मीटर को सीरीज में, ठीक है, वायर के अलोंग। अब ये एक्टिविटी देखो, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि ये जो चार इमेजेस हैं उसके अंदर हमें मिस्टेक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला इमेज देखो, इस इमेज में क्या गलती है, देखो ये हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो किया, ये की है, की मेटल होता है यानी कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, तो यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, इस बल्ब से फ्लो करेगा और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे वायर कटा हुआ है, ठीक है, यानी जो करंट है वो आगे फ्लो ही नहीं होगा, तो आगे फ्लो ही नहीं होगा तो कंटिन्यूस पाथ नहीं होगा, यानी करंट यहाँ पे लूप नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंटिन्यूस पाथ नहीं है, ये ओपन सर्किट है, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट, यानी ये सर्किट यहाँ पे खुला हुआ है, तो ऐसे करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ऐसे केस में अगर हमारा करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो ये बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो किया, इस बल्ब के फिलामेंट से गुजरा, यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे अपना चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और ये भी एक ओपन सर्किट है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब तीसरे इमेज को देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट आया, इसके अंदर से गया, और यहाँ पे पूरा एक सर्किट बन रहा है, ये पूरा क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, ये दोनों क्या थे, ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, अब यहाँ पे क्या, क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि सारे कनेक्शन बराबर है, और यहाँ तो इस केस के हिसाब से अपना बल्ब जलना चाहिए था, पर यहाँ पे इन्होंने बल्ब को ऑफ दिखाया, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट आया, ये क्या है, ये है पीस ऑफ रबर। अब रबर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, यानी इसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो ये इसके आगे अपना करंट जाएगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ से भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में, वाई आर द बल्ब्स इन फिगर बी सी एंड डी नॉट लाइटिंग अप,
नॉट लाइटिंग अप, ठीक है। तो ये बी सी और डी फिगर देखो, इसमें बल्ब क्यों नहीं चल रहा है हमें बताना है, ठीक है। तो पहला इमेज तो सिंपल है, यहाँ पे ओपन सर्किट है इसलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। इमेज सी देखो, यहाँ पे कनेक्शन बराबर है पर यहाँ पे ओपन सर्किट है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब डी इमेज देखो, अब डी इमेज में देखो यहाँ पे सर्किट पूरा क्लोज्ड है, कहीं पे भी ओपन नहीं है, पर यहाँ पे गलती क्या हुई कि दोनों को नेगेटिव टर्मिनल से या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब अगर मैं इसका अलग से अच्छे से इमेज बनाऊँ तो क्या होगा, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इन्होंने क्या किया है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव कोई भी एक टर्मिनल ले लो, इन्होंने क्या किया है यहाँ से यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर दिया है और वापस उसे पॉजिटिव टर्मिनल में छोड़ दिया है। तो मान लो ये 10 वोल्ट का था, ठीक है, ये टर्मिनल 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। तो ये टर्मिनल 10 वोल्ट है, यानी ये जो टर्मिनल है ये इस बल्ब के साइड में जो है वो भी 10 वोल्ट का होगा, और क्योंकि ये भी 10 वोल्ट है ये यहाँ से भी यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, और अगर आप इसके इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो 10 माइनस 10 क्या होगा, 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो चार्ज फ्लो कैसे करेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो तभी करता है तब जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इतना ही था इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो समझ आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।